हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। टुडे वी हैव कंप्यूटर लेक्चर्स। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर 4। नाउ सी, दिस इज योर टेक्स्ट बुक्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ ओपन योर इंडेक्स। चैप्टर नंबर 4, पेंट। ओके, ऑन पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, दिस इज योर चैप्टर 4, पेंट। ओके, बट एज वी ऑल नो, we had completed till page number 50 in the class. Okay, so let's we go ahead page number 51. Now see, this is your page number 51. Click on the arrow on a brush sheet. You will see a drop down menu of a different brushes. Okay, we have discussed so many things, right? As हमने पेंट में क्या सीखा है, फर्स्ट हाउ टू पिक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ द पिक्चर्स, राइट, एंड हाउ टू कलर द पिक्चर्स, ठीक है, एंड उसमें किस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज यूज़ करके, कलर पैलेट यूज़ करके आप उसमें कलर फिल कर सकते, राइट, हमने ये सब चीज़ें क्लास में सीख चुके, राइट। नाउ यहाँ पर सेम थिंग्स आपको करनी है। क्लिक ऑन द एरो ऑन अ ब्रशेज, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ अ डिफरेंट ब्रशेज। आपको ब्रशेज पर क्लिक करना है। सी ऑन द टॉप, यहाँ पर आपको ब्रशेज का ऑप्शन दिया गया है, राइट, आपको ब्रशेज पर जाना है एंड देन उस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन अ ब्रशेज, फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन एयर ब्रशेज। अब आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रशेज प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से यू कैन सिलेक्ट एनी वन। सो हमने यहाँ पर एयर ब्रशेज को सिलेक्ट किया है। इन अ साइज क्लिक ऑन द एरो एंड सिलेक्ट द थर्ड विथ। देन आपको साइज में जाना है। देखो यहाँ पर आपको साइज का ऑप्शन दिया गया है, साइज में जाकर आपको थर्ड विड्थ सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट देखिए, क्लिक ऑन कलर वन एंड सिलेक्ट ग्रीन कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। अब आपको, जैसे कि आप जानते ही हो, राइट, कि हमें अगर कलर फिल करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, यस, इन अ कलर वन, ठीक है, तो आपको कलर वन में जाना है। देन आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेंगे, ओके, तो हमें ग्रीन कलर सिलेक्ट करना है। यू कैन सी योर ऑल्सो, ओके, ग्रीन कलर। मूव द माउस पॉइंटर इन द ड्रॉइंग एरिया। अब आपको आपका माउस पॉइंटर है उसे कहाँ ले जाना है, जहाँ पर भी आपने ड्रॉइंग किया है ना उसे वहाँ पर ले जाइए। द एरो चेंजेस टू लुक लाइक द एयर ब्रश आइकॉन। नाउ आपने कभी भी जब कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, जब आप माउस को स्टैकिंग करते हो, यहाँ वहाँ ले जाते हो, ठीक है, साइड में मूव करते हो, तो क्या होता है, उसमें आपको एरो शोइंग करता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपने ब्रशेज को सिलेक्ट किया है ना, तो आपका वो एरो किस में चेंज हो जाएगा, नाउ इन ब्रशेज, ओके। कलर द ट्री ग्रीन बाय ड्रैगिंग। एज वी ऑल नो, ट्री किस कलर में होता है बेटा, इन ग्रीन कलर। तो जो आपने ग्रीन कलर सिलेक्ट करा था ना, वो आपको इस ट्री में फिल कर देना है। चलो नाउ पेज नंबर 52। ऑन द क्विक एसेस टूल बार क्लिक ऑन अ सेव टू सेव द चेंज मेड इन द पिक्चर। अब आपको, आपने यहाँ पर चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया, हमने जस्ट अभी क्या किया, ट्री में कलर फिल किया है। तो जब भी आप कंप्यूटर लैब में जाओगे, ठीक है, तो कलर फिल करने के बाद आप में, आपके फिगर में थोड़ा चेंज हो गया, राइट, पिक्चर में चेंज हो गया ना थोड़ा, तो आप उसे क्या कर दोगे, सेव कर देना है। और सेव करना भी आपको सिखा ही दिया है क्लास में, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, ऑन द टाइटल बार
क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द पिक्चर। देन आपको पिक्चर को क्लोज करने के लिए ऑन द टॉप पे देखिए रेड कलर में आपको क्लोज का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर क्लोज करना है, जिससे आपका जो भी चीज़ थिंग्स खुली होगी कंप्यूटर में वो क्या हो जाएगी बेटा, क्लोज हो जाएगी, आपकी पिक्चर भी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। नाउ इनलार्ज अ पिक्चर, ओके, डू यू नो व्हाट अबाउट इनलार्ज? ठीक है, इनलार्ज क्या है बेटा? इनलार्ज मीन्स आपने कभी भी देखा ही होगा, ठीक है, इन डेली लाइफ या फिर किसी ने भी आपके आसपास यूज़ किया होगा मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या काम करता है? उसका वर्क है बेटा कोई भी स्मॉल थिंग्स को लार्ज करके शो करना, राइट? तो कंप्यूटर में भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिससे आप कोई भी स्मॉल थिंग्स को उसे बड़ा करके भी देख सकते हो, यू कैन वॉच, राइट? देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, जूम यूज़ करना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए ये है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, ग्लास राइट, ये है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपको ये जो पिक्चर है ना आपका, इसे लार्ज करके देखना है, तो आप इस पर जाके आपके पिक्चर को और भी लार्ज कर सकते हो, राइट, जूमिंग कर सकते हो। नाउ सी, स्टार्ट अ पेन, क्लिक ऑन द एरो ऑन ब्रशेस। नाउ अगेन आपको ब्रशेस पर क्लिक करना है, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ अ डिफरेंट ब्रशेस। अगर आपने ब्रशेस पर क्लिक किया है तो आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस, आपको डिफरेंट ब्रशेस के ऑप्शन दिखाई देंगे। ओके, सी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाउ क्लिक ऑन क्रेयॉन्स, नाउ पेज नंबर 53। ओके, क्लिक ऑन क्रेयॉन्स, अब आपको क्रेयॉन्स पर क्लिक करना है, राइट? इन अ साइज क्लिक ऑन द एरो एंड सिलेक्ट द फर्स्ट विड्थ, अब आपको फर्स्ट विड्थ को सिलेक्ट करना है। नाउ कलर वन शो ब्लैक कलर, आप देखिए यहाँ पर आपको कलर जो वन में क्या दिया गया बेटा, विच कलर, ब्लैक कलर, यस। वी विल कीप द डिफॉल्ट कलर एज अ अवर सिलेक्शन, यहाँ पर हम हमारे सिलेक्शन में क्या करेंगे, डिफॉल्ट कलर यूज़ करेंगे, ठीक है, रखेंगे, राइट। ड्रॉ एन एप्पल बाय ड्रैगिंग, अब आपको एप्पल ड्रॉ करना है ड्रैगिंग करके, एज वी लर्न्ड, राइट। क्लिक ऑन द एरो ऑन ब्रशेस एंड सिलेक्ट ऑयल ब्रशेस, अब आपको ब्रशेस में जाने के बाद आपको ऑयल ब्रशेस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, इन ब्रशेस में से आपको एक ऑयल ऑप्शन भी मिल जाएगा। नाउ एट नंबर, क्लिक ऑन द एरो ऑन साइज एंड सिलेक्ट अ विड्थ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एप्पल दैट यू हैव ड्रॉन, अब आपने जो भी साइज का एरो सिलेक्ट किया है, राइट, तो आपको क्या करना है, कोई भी विड्थ, एनी वन विड्थ यू कैन सिलेक्ट इट, जो भी आपकी एप्पल की साइज है उस पर डिपेंडेड आपको यहाँ से एक विड्थ सिलेक्ट करनी है। ओके, मीन्स आपको आउटलाइन रेडी करनी है। क्लिक ऑन कलर वन एंड सिलेक्ट रेड फ्रॉम द कलर पैलेट, अच्छा आपको पता ही होगा आपका जो एप्पल है किस कलर में होता है, रेड इन कलर। ओके, सो हम कलर वन में जाके डिफरेंट कलर जब शो करेंगे तो यू विल सिलेक्ट द कलर रेड। नाउ कलर द एप्पल बाय ड्रैगिंग, अगेन आप उसे ड्रैगिंग करके क्या कर दोगे, एप्पल को कलर कर देना है। नेक्स्ट देखिए, देखिए आपको जूमिंग का भी आपको बताया गया था ना, तो आपका जूमिंग ऑप्शन यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आपको जूमिंग करना है तो आपको राइट साइड जाना है, और छोटा देखना है तो आपको लेफ्ट साइड जाना है। ओके, यू कैन सी यर, आप यहाँ देख सकते हो, ओके, स्लाइडर पे दिया है। नाउ पेज नंबर 54, लुक एट, thank you.
Now look at the page number 54. Look at the zoom slider on the right hand corner of the status bar. देखो right hand side पर आपको zoom slider दिया गया, okay? It's a 100% zoom. आपको यहाँ पर 100% zooming दिखाई देगा. आपको जितना भी large करके देखना है आप देख सकते हो, okay? In tools click on a magnifier. मैग्नीफ्लाई, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना अभी पहले ही. यहाँ पे देखो आपको मैग्नीफ्लाइंग ग्लास दिया है, ओके. तो आपको ये चूज करना है ऑप्शन, देन मूव द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया. फिर आपको अगेन माउस पॉइंटर पे जाना है, जो भी आपने ड्रॉ किया है, गो थ्रू दैट पिक्चर्स. द एरो चेंज टू लुक लाइक द मैग्नीफायर आइकॉन्स एंड यू विल सी अ बिग स्क्वायर अलोंग विथ इट. अब आपको क्या दिखाई देगा, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को सिलेक्ट करोगे ना, तो आपका एरो मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपको बिग स्क्वायर दिखाई देगा उसके साथ साथ, ओके. प्लेस द मैग्नीफायर माउस पॉइंटर ओवर द एप्पल एंड लेफ्ट क्लिक. अब आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जो है आपको क्या करना है, आपका जो एप्पल है उस पर रखना है एंड लेफ्ट क्लिक करना है, राइट. नाउ द पिक्चर विल बी इनलार्ज. जो आपका पिक्चर था आपने शॉर्ट स्मॉल ड्रॉ किया था, वो अब कैसा दिखाई देगा आपको, इनलार्ज शेप, ओके. मेड अ बिगर, यू कैन सी हियर ऑल्सो, दिख रहा है आपको, ओके. नेक्स्ट देखिए, आपको इस तरह का स्क्वायर बॉक्सेस दिखाई देगा, ओके. यहाँ पे दिस इज अ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ओके, और दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ओके. लुक एट द जूम स्लाइडर ऑन द स्टेटस बार, इट्स अ 200% जूम. अब आप जब जूम स्लाइडर पे जाओगे तो आपको वहाँ पे 200% जूम बार दिया जाएगा, ठीक है. यहाँ पर देख सकते हो आपको 200 दिया है. इफ यू लेफ्ट क्लिक अगेन, द पिक्चर विल बी लार्ज मोर. अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपका पिक्चर क्या हो जाएगा, ज़्यादा लार्ज हो जाएगा फिर से, ठीक है. द जूम स्लाइडर विल शो 300%. आपको जितना भी लार्ज देखना है आप लेफ्ट क्लिक करके देख सकते हो, राइट. इफ द पिक्चर बिकम्स टू बिग एंड यू कैन नॉट सी इट इन द ड्रॉइंग एरिया. अगर पिक्चर बहुत ही बड़ा हो जाता है और आप उस ड्रॉइंग एरिया पर नहीं देख सकते हो, then drag the horizontal and vertical scroll bar on the window to move around the picture. तो आपको क्या करना है, ये vertical scroll bar और जो horizontal scroll bar दिया गया है ना, आपको उसे drag करना है, ठीक है. small करने के लिए यहाँ पर आप dragging कर सकते हो. To reduce the zoom level, move the magnifying mouse pointer over the picture and right click. अब आपको जब बैक जाना है, अब आपको मैग्नीफायर की यूज़ नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगेन वहाँ जाकर मैग्नीफाइंग ग्लास पर जाकर राइट क्लिक कर देना, ओके. द पिक्चर विल अपीयर इन इट्स ओरिजिनल साइज. तो जो आपकी जो पिक्चर्स आपने पहले बिगनिंग में ड्रॉ करी थी वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ द जूम स्लाइडर ऑन द स्टेटस बार विल अगेन शो 100% जूम. तो जो आपका पिक्चर्स था वो अगेन क्या हो जाएगा, 100% जूमिंग पर दिखाई देगा, ओके. सो टुडे वी स्टॉप अवर लेक्चर हियर, ठीक है. पेज नंबर 54, टिल द पेज नंबर 54. आपको जो भी हमने आज लेक्चर में पढ़ा है, यू हैव टू रिवाइज, ओके, एट योर होम्स एंड रीड दिस chapter in home, okay. So till that, bye bye students, take care.